बापू जी कह रहे थे कि हम तो खाली तीन पड़े हैं, ये सबने सुना अभी। देखो ये बड़ी पते की बात है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इन तीनों से जो पार हो गया और दूसरों को भी जो इन तीनों से पार ले जाने का सामर्थ्य रखे उसे ही सच्चा सदगुरु कहा जाता है। जो अपने शिष्य को तम से भी पार ले जाए, रजोगुण से भी पार ले जाए, सत्व गुण से भी पार ले जाए, सत्व गुण में भी अटकाए न रखे उससे भी पार ले जाए, ये इस अर्थ में बापूजी ने कहा कि हम केवल तीन पड़े हैं। माने तीन ताप होते हैं, भागवत में भगवान कृष्ण ने बताया तीन ताप, आध्यात्मिक ताप। कई बड़े बड़े वर्षों से साधना कर रहे हैं पर मन भगवान के भजन में नहीं लगता, यह आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक ताप, कभी कुछ हुआ, कभी प्राकृतिक प्रकोप हुआ, कभी कुछ। आदि भौतिक ताप, मेरे को ये चाहिए, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये आवश्यकता है, अस्वाभाविक इच्छाएं। आदि भौतिक ताप, इन तीनों तापों के बीच सारा संसार पच रहा है। किसी को आध्यात्मिक ताप सता रहा है, किसी को आदि भौतिक, किसी को आदि दैविक। पर गुरु कौन है जो इन तीन ताप से पार हो गए और शिष्य को भी इन तीन से पार ले जाने का दम रखते हैं, वो सदगुरु हैं। और तीन पड़े हैं माने यह लोक परलोक। भगवत गीता में भगवान ने कहा ना दूसरे अध्याय में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिर्तरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक भगवत गीता। भगवान कहते हैं जिस दिन तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोहरूपी दलदल माना इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इससे शादी किए बिना नहीं, मोहरूपी दलदल है, पिज्जा के बिना नहीं चलेगा, बर्गर के बिना नहीं चलेगा, ये मोहरूपी दलदल है। भगवान कहते हैं जिस दिन तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी उस दिन तू देखे हुए और सुने हुए इस लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं उन सब से पार हो जाएगा। तो अब ध्यान दे, बापू जी ने कहा हम तो तीन पड़े हैं, इस लोक और परलोक, और तीसरा होता है मनहलोक। आदमी के मन में भी एक संसार होता है, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये एक मनहलोक भी होता है। तो इन तीनों से जो पार हो गया और अपने शिष्य को भी इन तीन से पार ले जाने का जो सामर्थ्य रखते हैं वही हमारे सच्चे सदगुरु पूज्य बापू। ऐसे गुरु शिष्य से कभी दूर जा नहीं सकते और शिष्य भी ऐसे गुरु से कभी दूर जा नहीं सकता। फिर चाहे मुंबई में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, देश में रहते हो, विदेश में कहीं भी रहते हो, ऐसे गुरु से दूर नहीं जा सकते और गुरु भी ऐसे शिष्य को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। किसने कहा गुरुदेव कि हमारी आपसे जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसी ने उड़ाई होगी। इतनी बार आए हैं हम आपके पास तो जरूर कुछ जगह आपके दिल में बनाई होगी, जरूर कुछ जगह बनाई है साधकों ने। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, तो तीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शब्द। कभी मौका मिले बापूजी बैठे हो उस समय भी बोलने का मौका मिले तो ये तीन बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रेखण कहलाता, होता अशुभ अमंगलकारी। पर लोगों को क्या पता ये तीन शब्द बड़ा सांकेतिक है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसके भंडार जो हैं वो गुरु हैं और अपने शिष्य को भी इन तीनों से भरने वाले हैं। इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म ये शिष्य के जीवन में भी आए तो शिष्य के जीवन में से भी दुख, दरिद्रता और अशांति दूर हो जाए। एक आदमी ने आज मुझे पूछा दोपहर को कि हमारे अमुक घर में, अमुक रिश्तेदार के घर में मृत्यु जल्दी जल्दी हो जाती है, क्या करें।
बड़ा सरल उपाय है। किसी के घर में जल्दी जल्दी अगर मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो एक बड़ा कटोरा लें, उसमें मेटल का कछुआ रख दें। शिव मंदिरों में नहीं होता कछुआ, ऐसा एक मेटल का कछुआ रख दें कटोरे में। शिव जी का सुमिरन करें, गुरुदेव का पूजन करें, महामृत्युंजय मंत्र बोलें। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र बोलें, थोड़ा पौराणिक और वैदिक दोनों बोलें। बात आई है तो दो चार बार हम सब मिलकर बोलें, जिनको याद हो वो बोलना, याद ना हो तो अपने आश्रम की दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम की पुस्तक में ये महामृत्युंजय मंत्र छपा हुआ है, आरोग्य निधि पुस्तक में भी छपा हुआ है। घर पे कोई बहुत बीमार हो अगर, तो कटोरी में थोड़ा पानी रखो, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो और 108 बार संकल्प करके महामृत्युंजय मंत्र बोलो। एक मंत्र बोलो पानी में देखो, दूसरा मंत्र बोलो पानी में देखो, तीसरा मंत्र बोलो पानी में देखो, और वो पानी जो बीमार है उसको रोज पिलाओ। दवाओं से ठीक नहीं होगा, आपके इस महामृत्युंजय मंत्र बोलकर, शिव जी का गुरु का स्मरण कर संकल्प करके दो तो वो जरूर ठीक होगा, नहीं कैसे होगा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्णव ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, सदा सत्य है वेद का वचन, पहले सत्य था और अभी नहीं, सदा सत्यम। नश्यन्ति तव शत्रुवः। तो कछुआ धातु का कटोरे में रखकर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर उत्तर दिशा, घर में जो उत्तर दिशा पड़ती हो वहां उसकी स्थापना कर दें महामृत्युंजय मंत्र बोलकर। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृता। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र थोड़ा जप करके वो कटोरा घर में उत्तर दिशा में स्थापना कर दें और फिर प्रार्थना करें, बोलना साथ में वो स्थापित कर दें, फिर उसके बाद आखिरी में बोलना अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन, तस्मात् कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर, गतं पापं गतं दुःखं, गतं पापं गतं दुःखं, गतं दारिद्र्यमेव च, गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुखसंपत्ति, आगता सुखसंपत्ति, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्। इस प्रकार ये बोलकर आखिरी में शिव जी को गुरु को प्रणाम करके रख दे कि अब हमारे घर में अकाल मृत्यु न हो, जो पहले गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले।
और 7 या 11 अमावस्या तक सुबह सुबह स्नान करके दिया जलाकर लोटे में पानी भर के रखो और भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करो। पाठ करके वो लोटा पानी जो रखा था पहले वो सूर्य भगवान के सामने ले जाओ और कहो कि यमराज आपके बेटे हैं, सूर्य नारायण के बेटे यमराज। प्रार्थना करना, सूर्यदेव यमराज आपके बेटे हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में जो कोई पहले गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति देना, मुक्ति देना, और अब हमारे घर में ऐसे अकस्मात ना हो जल्दी, ऐसी कृपा करना। बस बहुत अच्छा हो। एक आदमी ने पूछा, मेरी बेटी बड़ी हो गई, क्या करूं, उसकी शादी की बड़ी चिंता है। मैंने कहा बहुत सरल उपाय है, चिंता क्यों करूं। कहीं की आदत पड़ जाती ना, एक राजा रथ में बैठकर जा रहा था तो देखा एक बुजुर्ग दादा भी जा रहे हैं उसी दिशा में, और दादा के सिर पर गठरी है। तो राजा धर्मात्मा कहता दादा को, बोले दादा आओ रथ पे बैठ जाओ, बूढ़े आदमी है, पैदल जा रहे हैं, सिर पे सामान है, बैठो। दादा बैठ गए, पर सिर पर जो सामान की गठरी थी वो नीचे ही नहीं उतारे, वो सिर पे ही रखे बैठे रहे। राजा ने कहा दादा गठरी तो नीचे रख दो। बोले मैं इतना निर्दयी थोड़ी हूँ, एक तो मेरा वजन भी घोड़ों के ऊपर रथ के ऊपर, और फिर मेरा सामान भी रथ पर रख दूँ, घोड़ों पर इतना लोड क्यों डालना, इसलिए थोड़ा मुझे अपने सिर पर रख के बैठने दो। अब वजन तो सारा रथ पर ही है ना, खुद परेशान हो रहा है, इससे तो अच्छा नीचे रख दे। पर कईयों को आदत होती है, बहुत चिंता करते रहते और भ्रांतियों में बहुत जीते हैं। एक चींटी हाथी के पैर के सहारे ऊपर चढ़ गई, उसकी पीठ पर बैठ गई। हाथी चलते चलते नदी के उस पार जाना चाहता था, बीच में पुल था लकड़ी का। हाथी ने जो पुल पर अपना पांव रखा तो लकड़ी का पुल चें चें करने लगा, हाथी का वजन। तो चींटी बोलती है ठहर ठहर, दो का वजन शायद ये उठा नहीं पाएगा, मैं उतर जाती हूं, तू पहले जा फिर मैं आती हूं। और हाथी चला गया, चींटी इस तरफ ही खड़ी रही। हाथी जब पसार हो गया तो चींटी बोलती है देखा अच्छा हुआ ना मैं उतर गई, नहीं तो अपन दोनों का वजन ये पुल सहन नहीं कर सकता, टूट जाता। अब लोग ऐसी जैसे चींटी भ्रांति में जी रही है, ऐसे लोग बहुत भ्रांतियों में जी रहे हैं। मेरा मानना ही क्यों, जैसे हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना को कहा तू बेकार में अपनी बेटी पार्वती की शादी की चिंता कर रही है, हिमाचल ने कहा, आप बोलना साथ में। और आपके घर पे भी कोई चिंता करता हो, आपकी पत्नी या कोई भी, तो उनको सुनाना, हिमाचल ने कहा अपनी पत्नी मैना को। प्रिया सोच परिहरहू सब, प्रिया सोच परिहरहू सब, सोच माना चिंता, परिहरहू माना छोड़ना, सब सब छोड़ दे। प्रिया सोच परिहरहू सब, प्रिया सोच परिहरहू सब, सुमिरहु श्री भगवान, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयहु जेहि, पार्वती निर्मयहु जेहि, सोई करी कल्याण, सोई करी कल्याण। चिंता छोड़ दे, सुमिरन उसका कर, जिसने हमारी बेटी का निर्माण किया है वही हमारी बेटी का कल्याण भी तो करेगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो बेटी को सिखा दे, जो जिसको बेटी की शादी की चिंता हो बेटी को सिखा दे, हर गुरुवार को बाएं हाथ की आखिरी उंगली पर ऊपरी हिस्से पर मेहंदी लगा दे बस। और रात को सोते समय रोज ओम ह्रीम गौर्याय नमः, ओम ह्रीम गौर्याय नमः, ओम ह्रीम गौर्याय नमः, पार्वती माँ का स्मरण करके उनको वंदन करें। और गोरेगांव में अपना आश्रम है, गोरेगांव ईस्ट में, वहाँ वटवृक्ष है, परिक्रमा करके थोड़ी मिट्टी ले ले, उसमें कुमकुम मिला दे और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके तिलक करें, अपने आप अच्छा हो। घबराए क्या,